एवरीवन, माय सेल्फ गंतव्य। अभी रिसेंटली मैंने अपना पीस निकाला था, यूकी पार्ट वन रीडिफाइंड, और मुझे बहुत खुशी हुई, काफी लोगों को पसंद आया। अगर किसी ने नहीं देखा तो जरूर उसको देखें, और मैं आशा करूंगा कि आपको पसंद आए। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लाइव परफॉर्मेंस यूके के तीनों पार्ट्स की। मैंने बाकी दो पार्ट डाले थे लेकिन वो ऑडियो फॉर्म में थे, काइंड ऑफ अ स्लाइड शो। आज मैं तीनों पार्ट्स की एक साथ लाइव परफॉर्मेंस करूंगा, और मैं आशा करूंगा कि आपको पसंद आए। तो शुरू करता हूँ, ठीक है? यूकी उनका घर आ गया था। जब ब्रेक पर लगाम लगी थी, जब ब्रेक पर लगाम लगी थी, मानो धड़कने मध्यम सी हो गई। जब ब्रेक पर लगाम लगी थी मानो धड़कने मध्यम सी हो गई हो, जब गियर ने न्यूट्रल होने को कहा मानो नजरें मेरी कहीं गुम सी हो गई। यूकी उनका घर आ गया था। अजीब सी खामोशी में, अजीब सी खामोशी में बेचैनी का छौंका था। अजीब सी खामोशी में बेचैनी का छौंका था। सोचने लग गए हम भी मानो इजहार करने का ये आखिरी मौका था। पर गाड़ी का दरवाजा खुल चुका था और एक पैर उनका जमी को छू चुका था। यूं कि उनका घर आ गया था। मैं स्टीयरिंग पर अपना सर रखकर न जाने कितने ख्यालों में डूब रहा था। मानो हर ख्याल एक हकीकत हो, ये दिलासा खुद को दे देकर झूम रहा था। यार बोल दूं वो बुरा तो नहीं मान जाएगी, या कह दूं वो बुरा तो नहीं मान जाएगी। ऐसा हर एक ख्याल हमारे सर पर चढ़ गया था। यूं कि उनका घर आ गया। इतने में मेरे कानों पर मिठास की कुछ बूंदें अटकी। इतने में मेरे कानों पर मिठास की कुछ बूंदें अटकी। हमने नजरें ऊपर करी और हम दोनों की नजर एक साथ झपकी। उन्होंने उन्होंने बाय टेक केयर सिया वाली फॉर्मेलिटी को अदा किया। उन्होंने बाय टेक केयर सिया वाली फॉर्मेलिटी को अदा किया। अरे हम क्या करते हैं भाई, हमने भी जेरोक्स पे से हेल्प मांगी और सेम टू सेम ये कहते हुए अपने दिल की बात को फिर से बैक सीट जमाने का आदेश दे दिया। तन्हा होके जब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए तन्हा होके जब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और खुद को कोसने का मैंने प्रोग्राम बना ही लिया था कि तभी तभी एक सुनी सुनी सी मीठी मीठी सी कोयल जैसी आवाज का बुलावा आया। सुनो तुम चाय पियोगे? जैसे उनकी आवाज आई हम एक्साइटमेंट को अपने छुपाए, हैंडब्रेक भाई को काम पे लगाए, सीट पर जमी अपनी तशरीफ को उठाए, शर्माते हुए घर के अंदर चल दिए। हमने फिर सोफे पर अपनी तशरीफ जमाई और टी से ढोने की कोशिश कर रहे थे। योर हाउस रियली नाइस, इट्स ऑसम, ये कहते हुए यूजुअल फॉर्मेलिटी को निभा रहे थे। उन्होंने उन्होंने पैन में पानी रखा और हम उनका चुप चुप के दीदार कर रहे थे। इतने में इलायची खुशबू आई और हम उसके पीछे पीछे उन तक पहुंच गए थे। कैन आई हेल्प यू एनीथिंग इफ यू वांट, ये कहते हुए हम बात शुरू करने की चाह रख रहे थे। लेकिन शायद वो चाय में कुछ ज्यादा ही मसरूफ थे, इसीलिए नो इट्स ओके कहकर बात को हमारी रफा दफा कर रहे थे। हम आसपास देखकर बिजी होने की एक्टिंग कर रहे थे कि तभी एक आवाज आई। चीनी कितनी? एक। हमने सर हिला के जवाब दिया और फिर से पॉकेट में हाथ डालकर बिजी होने की एक्टिंग में लग गए। क्योंकि चाय बनी और हमने फिर चुस्की लेना शुरू किया। तभी उन्हें याद आया, अरे नमकीन और बिस्किट लाना तो मेरे दिमाग से निकल गया। क्योंकि बिस्किट और चाय ने एक बेहतरीन शाम बना दी थी। गुफ्तगू चलती रही और चुस्की साथ साथ हो रही थी। पूरा पैकेट नमकीन या अकेले टूटने के बाद खाली पैकेट को खुद फेंक के ऑकवर्ड से बने माहौल को टैकल करने के बाद चाय के कप्स को सिंक में रख के लिविंग रूम में आके अपना बैग उठा के उन्हें चले जाने की तसल्ली देकर बाय टेक केयर सिया वाली फॉर्मेलिटी को अदा करके घर की चौखट से निकल ही रहे थे कि तभी अरे वही सुनी सुनी सी वही मीठी मीठी सी वही कोयल जैसी आवाज का एक दफा और बुलावा आया। सुनो तुम्हें बिरयानी पसंद है? अब उन्हें क्या बताएं, थोड़ा हाजमा आजकल खपा खपा सा रहता है, पल दो पल खींच उदार उदार सा रहता है। तो क्या करते,
तो क्या करते भाई, बुझे दिल को लेकर गाड़ी में हम बैठकर हैंड ब्रेक भाई को छुट्टी दिए, सपनों में उन्हें अंगूठी दिए, हिलचंद भाई को उठाए और दौड़ाते हुए चुपचाप निकल गए। सुनसान रास्तों पर सुनी सुनी बातों पर, सुनसान रास्तों पर सुनी सुनी बातों पर यादें आज की तनहा हो रही थी। सुनसान रास्तों पर सुनी सुनी बातों पर यादें आज की तनहा हो रही थी। हकीकत होने के लिए ना जाने क्यों बेकरार हो रही थी। इधर उधर बस मैं और मेरी राहें, इधर उधर बस मैं और मेरी राहें थी। इश्क प्यार मोहब्बत की बस चलती मन में मिसालें, अपनी मंजिल अब पास आ रही थी, अपनी मंजिल अब पास आ रही थी, पर शायद कोई मंजिल दूरी भी पकड़ रही थी। उन्हें देखने की एक दफा और आस हो रही थी, पर शायद अजीब ना लगे। ये सोचना अंदर ही अंदर मन को जकड़ रही थी कि इतने में किसी का पैगाम आया, हमने नोटिफिकेशन देखे तो सबसे पहले उन्हीं का नाम पाया। यूकी कहती जब घर पहुंच जाओ तो बता देना, हम मानो किसी अनसुनी से जिम्मेदारी को तुम निभा ले। तो हमारी मंजिल यानी कि घर आ गया था। आज के दिन बाय गॉड किसी लम्हे में समा गया। चौखट पर कदम रखा ही था कि तभी वही सुनी सुनी सी, वही मीठी मीठी सी, वही कोयल जैसी आवाज का इस बार कॉल आया। उठाते ही हमने पहुंच जाने को इत्तला कर दिया। शायद उन्हें किसी तन्हाई से रिहा कर दिया। फोन रखने के सोच ही रहे थे कि तभी सुनो, यूं कि आपका घर आ गया था तो मैंने सोचा शायद आपके घर बसाने का भी वक्त आ गया था। क्या तुम्हें हम पसंद है? अरे दिल तो क्या दिमाग भी यहां फिसल गया, बिन सोचे बिन समझे जुबान से हाँ निकल गया। यूं कि ना मेरा ना उसका अब हमारा घर आ गया था। यूं कि हमारा घर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।